नमस्कार, मैं रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, असमान शरीर का नाप लेने के लिए विशेष टेप का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी विशेष टेप है भाई? नंबर 1 इंची टेप, नंबर 2 सीपीजी टेप, नंबर 3 मीटर, नंबर 4 कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सीपीजी टेप। क्वेश्चन नंबर 22 हम चलते हैं, कागज बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? नंबर 1 ट्रेवल नीडल, नंबर 2 7 नंबर की सुई, नंबर 3 2 नंबर की सुई, नंबर 4 बड़े नक्के की सुई। तो हमारा कागज बनाने के लिए ट्रेवल नीडल का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। असामान्य मशीन में, मतलब कि सामान्य मशीन में तेल डालने वाले छिद्रों की संख्या कितनी होती है? जो जनरल मशीन होती हैं तो उसमें जो हमारे तेल डालने के लिए कितने छेद होते हैं? तो 18, 36, 24, 27। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। थ्रेड कटिंग डिवाइस का मुख्य काम क्या है? तो थ्रेड कटिंग डिवाइस का मुख्य काम क्या है? नंबर 1 ऊपर नीचे के धागे काट देना, नंबर 2 सुई में धागे डालना, नंबर 3 चैन स्टिच बनाना, नंबर 4 प्रेशर फुट ऊंचा करना। तो थ्रेड कटिंग डिवाइस का मुख्य काम क्या होता है? ऊपर नीचे के धागे काट देना। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, निम्न में से हैवी ड्यूटी मशीन बताएं। तो इनमें से कौन सा हैवी ड्यूटी मशीन है? तो नंबर 1 परफोरेटेड, नंबर 2 डबल नीडल, नंबर 3 जिग जैग, नंबर 4 आइलेट। तो हैवी ड्यूटी मशीन जो है वो हमारी परफोरेटेड है। क्वेश्चन नंबर 26 हम चलते हैं, निम्न में से कौन से धागे काले पड़ जाते हैं? नंबर 1 प्लास्टिक, नंबर 2 मेटेलिक, नंबर 3 सिंथेटिक, नंबर 4 रेशमी। तो किस में धागे काले पड़ जाते हैं? मेटेलिक। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं हम, हनीकॉम बनाने में कपड़ा अधिक लगता है, तो जो हनीकॉम हम जब करते हैं तो उस दौरान हमारे कपड़े कितने अधिक, मतलब कितने गुना अधिक लगते हैं? तो नंबर 1 हमारा 2 गुना, नंबर 2 है हमारा 4 गुना, नंबर 3 है हमारा 3 गुना, नंबर 4 है हमारा उक्त सभी। तो हनीकॉम बनाने में हमारे 3 गुने कपड़े लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम आगे बढ़ते हैं, कैसमेंट व दो सूती कपड़े पर प्रयोग होने वाले सजावटी टाका बताएं। तो नंबर 1 है हमारा पैचवर्क, नंबर 2 शॉर्टन टाका, नंबर 3 क्रॉस स्टिच, नंबर 4 शिवरिंग टाका। तो कैसमेंट व दो सूती कपड़ों में हमारे क्रॉस स्टिच का यूज होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग के लिए। तो कोई भी तैयारी के लिए अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो सीएटीएस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद हमारे ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऑनलाइन क्लासेस। ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करें, 9060582842। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, शुद्ध ऊन का रेशम बहुत होता है, मतलब कि जो शुद्ध ऊन का रेशा होता है वो कैसा होता है? नंबर 1 खुरदरा, नंबर 2 लचीला, नंबर 3 लंबा, नंबर 4 कोई नहीं। तो शुद्ध ऊन का रेशा जो होता है वो खुरदरा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा है? तो नंबर 1 जूट, नंबर 2 ऊन, नंबर 3 सोना, नंबर 4 ऑर्लान। तो वनस्पति रेशा जो है हमारा वो जूट है। क्वेश्चन नंबर 31 हम चलते हैं, निम्न में से रासायनिक रेशा बताएं। तो निम्न में से रासायनिक रेशा बताएं, नंबर 1 जूट, नंबर 2 डक्रॉन, नंबर 3 हमारा क्या है, नंबर 3 एस्बेस्टस, नंबर 4 हेम्प। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32 हम आगे बढ़ते हैं, मर्सराइज्ड कॉटन की सतह कैसी होती है? मर्सराइज्ड कॉटन की सतह, नंबर 1 चिकनी, नंबर 2 भद्दी, नंबर 3 खुदरी, नंबर 4 आकर्षणहीन।
मर्सराइज्ड कॉटन की सतह जो होती है वो चिकनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 हम चलते हैं, नायलॉन रेशे का अग्नि परीक्षण कैसे होता है? नंबर फर्स्ट, पंख जैसे जलना। नंबर टू, लौ की तरह। नंबर थ्री, झट से जलना। नंबर फोर, कागज की तरह। चलिए, तो नायलॉन की तरह है, लौ की तरह। क्वेश्चन नंबर 34 हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी यान की विशेषताएं नहीं है? नंबर फर्स्ट, ट्विस्ट। नंबर टू, साइज। नंबर थ्री, चरखा। नंबर फोर, काउंट। तो जो यान की विशेषता नहीं है वो हमारी क्या है? चरखा। क्वेश्चन नंबर 35 हम चलते हैं, ट्विस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर फर्स्ट, चार। नंबर टू, छः। नंबर थ्री, दो। नंबर फोर, तीन। तो ट्विस्ट जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एस टाइप एंड जेड टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, 36, पटोला एवं बांधनी वस्त्र कहाँ का लिए प्रसिद्ध है? तो नंबर फर्स्ट है हमारा पंजाब। नंबर टू है हमारा राजस्थान। नंबर थ्री है हमारा गुजरात। नंबर फोर है हमारा मुंबई। तो पटोला एवं बांधनी वस्त्र जो है, सबको पता है कि गुजरात में ये ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 37 हम चलते हैं, फ्यूजिंग तकनीक से क्या तात्पर्य होता है? तो नंबर फर्स्ट, दो कपड़ों को फ्यूज द्वारा जोड़ना। नंबर टू, बेस कपड़ों पर रेजिन जमाना। नंबर थ्री, कपड़ों को स्टीम प्रेस करना। नंबर डी, कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? बेस कपड़ों पर रेजिन जमाना। क्वेश्चन नंबर 38 हम चलते हैं, फैंसी बटन किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? तो फैंसी बटन किस मटेरियल के बनाए जाते हैं? नंबर फर्स्ट, एल्यूमिनियम। नंबर टू, धातु। नंबर थ्री, चंदन। नंबर फोर, ऑल ऑफ दिस मीन्स के उक्त सभी। तो सबको पता है कि जो फैंसी बटन होते हैं वो हमारे एल्यूमिनियम के होते हैं, मेटल के होते हैं, चंदन के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो ये जो तीनों हैं वो तीनों ही प्रकार है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अब 39 हम चलते हैं, वस्त्रों की सजावट में प्रयोग होने वाली वस्तु कहलाती है? तो वस्त्रों की डेकोरेशन में क्या क्या प्रयोग होती है? नंबर फर्स्ट, बटन। नंबर टू, काज। नंबर थ्री, ट्रिमिंग मटेरियल। नंबर फोर, मैचिंग धागा। तो हमारा क्या हो जाएगा? वस्त्रों की सजावट में हमारी ट्रिमिंग मटेरियल का ज़्यादातर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हम चलते हैं, फैशन की दुनिया में सबसे अग्रणी शहर का नाम आता है? तो सबसे अग्रणी शहर का नाम क्या आता है? नंबर फर्स्ट, न्यूयॉर्क। नंबर टू, पेरिस। नंबर थ्री, लंदन। नंबर फोर, मुंबई। तो फैशन की दुनिया में सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? पेरिस का आता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रखने के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।